वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। और ये जी मैं तैयारी कर रही हूँ, मैं रात को निकलना इस्लामाबाद के लिए। लाइट कौन सी ऑन हुई हुई है, तो पैकिंग हो रही है साथ साथ। ये मैं अपनी किट्स रेडी कर रही हूँ। ये वैसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था पेपर सोप, मैं कहा चलो ले जाती हूँ। ये सम टाइम कोई पेन वगैरह हो जाती है, कंडीशनर मैं ये लेके जा रही हूँ। उसके अलावा मेरे मेकअप है थोड़ा बहुत, और विक्स, मेडिसन, शैम्पू, हस्बैंड का स्मॉल वाला पड़ा हुआ था, मैं कहा यही रख लेती हूँ। और ये थोड़े बहुत कपड़े वगैरह अभी निकाले हैं, अभी पैकिंग करनी है। हस्बैंड की जैकेट निकाल ली है मैंने। मैं इतनी स्पीडली क्यों बोल रही हूँ, एक्चुअली में मेरा इस वक्त रोज़ा भी है और चाय का टाइम हो तो उस वक्त बहुत ही प्रॉब्लम होती है। तो अभी बस मैं बस यही कर रही हूँ। इसके अलावा ये मैं लोशन लेकर आई थी, यूज़ करते हैं तो इसके स्मॉल वाला। वैसे ट्रैवलिंग के लिए मैं स्मॉल वाला रखती हूँ, लेकिन सो नहीं है अभी नहीं है, तो फिर मैं ये रखने लगी हूँ। एक काफ़ी होगा, मैं भी ये यूज़ कर लूँगी। अभी मेरे मेट को आज मैंने लेट कहा था आने के लिए, उनके वो मेरी फ्रेंड के घर भी काम करती हैं, तो मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। अभी 1 बज गया तो अभी तक वो आई नहीं है। अभी मुझे पैकिंग सारी करनी है, अपने कपड़े वगैरह, कुछ एक दो स्वेटर्स हैं प्रेस करवाना है, क्योंकि अभी इतने फुल गर्म स्वेटर्स का मौसम नहीं है। हम लोगों का इस्लामाबाद के आगे नथी गली जाने का इंशाल्लाह प्रोग्राम है, तो ये ट्रैवल व्लॉग होगा इंशाल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम, ये सुबह तकरीबन 8:30 का टाइम है, इस्लामाबाद एम्बेसी है ये, और मैं आई थी यूएस एम्बेसी अपने वीज़ा के सिलसिले में। मेरा ऑलरेडी 5 साल का था लगा हुआ, लेकिन एक्सपायर होने वाला था। मैंने ट्रैवल तो बिल्कुल नहीं था किया, पता नहीं क्या बात है, मेरा ट्रैवलिंग का, यूएसए ट्रैवलिंग का बिल्कुल दिल ही नहीं करता, क्योंकि बहुत लंबा ट्रैवल है इस वजह से शायद। और मुझे माशाल्लाह से वीज़ा मिल गया फिर अगेन 5 साल का। अब इंशाल्लाह करूँगी, ये माइंड करूँगी, अगर मिला तो फिर दोबारा से, क्या पता थर्ड टाइम वो देते हैं कि नहीं देते, लेकिन इंशाल्लाह अब ज़रूर करूँगी। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे मिलेगा। अब हम लोग एम्बेसी से सीधा जाएंगे, निकल आए हैं, और ये ब्लू एरिया बहुत खूबसूरत है। इस्लामाबाद वैसे टोटली बहुत सब ओवरऑल बहुत खूबसूरती है, लेकिन मुझे लगता है इस एरिया में कुछ ज़्यादा खूबसूरती है। और बारिश हो रही थी पूरा ट्रैवल में, बारिश बारिश, नथिया गली भी बारिश, इवन इस्लामाबाद भी बारिश, मरी भी बारिश। मरी तो हमारा वैसे नहीं था, हम लोग सीधा जगह ही नथिया गली थे। सिर्फ मार पे मुझे सम टाइम होता है कोई गिफ्ट वगैरह लेना है शॉपिंग के लिए, लेकिन कोई नहीं, बारिश में बाहर निकला ही नहीं गया, तो मुझे तो वापसी का होगा। तो मैं तो हस्बैंड को कहा वक्त से पहले ही घर हम लोग वापस आ गए थे। और ट्रैवलिंग में मेरी कोशिश होती है मैं बड़ा बैग ही लेके जाऊं, ये कार्डी का ही था, उसमें मेरा सब कुछ, उमर यार के दम्बेल में जैसे सब कुछ आ जाता था ना, जैसे मेरा जो ट्रैवलिंग बैग होता है ना, उसमें मैं हर चीज़ में, कैमरा भी था इसमें, चार्जर्स भी थे, सब कुछ, यानी कि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, मोबाइल्स भी और पावर बैंक भी, सब कुछ मेरे इस बैग में, बड़ा कुछ मिलेगा, मेडिसिन, एवरीथिंग, हर चीज़ मेरे ट्रैवल बैग में होती है। मौसम बहुत खूबसूरत था, लेकिन पता नहीं क्या आया हिल स्टेशन पे, मुझे लगता है बारिश नहीं होनी चाहिए। अब बाहर नहीं निकल पाते, जो गाड़ी में तो बैठ के ट्रैवल का बस थोड़ा ही मज़ा आता ना, हिल स्टेशन में तो यही होता है बाहर निकलो घूमो। और मतलब क्योंकि बारिश ने हमारा जो उनसना ना आते हुए रास्ते में और वापसी पर भी हमारा साथ नहीं था छोड़ा। और फॉल सीज़न था, और ये येलो रंग के जो है ना, ये इतने खूबसूरत लग रहे थे, इतनी खूबसूरती है। और अभी तो नथिया गली ये तो उतना नहीं है, आगे से ज़्यादा जो ऊंचाई पे जगह हैं, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। और मैं हमें टूरिज़्म को थोड़ा सा प्रमोट भी करना चाहिए, सिर्फ गंदगी बहुत ज़्यादा, मैंने एक चीज़ नोटिस की है, गारबेज जगह जगह था, और ना कोई इतने अच्छे गेस्ट हाउस होते हैं। यार हमारा तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये कि मैंने देखा है मोस्टली जो उनसे ना सफाई का इंतज़ाम नहीं है। कुछ हम लोगों की अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ गवर्नमेंट को भी इस चीज़ पे टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहिए सफाई, स्पेशली सफाई के लिए। और ये रास्ते में मैंने मंकीज़ देखे, तो मैंने मनाल को वीडियो बना के भेज दी थी मैं, एक्चुअली मैं ये उसको, बच्चों का आपको पता है चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, तो फिर मैं ये मनाल को बना के ना वीडियो भेज रही थी। अभी वॉइस ओवर करते हुए मुझे ये सारे व्यूज़ नज़र आ जहन में आ रहे थे कि कितनी खूबसूरत थी, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग अपने घर जैसी कोई जगह नहीं है। मैं जब वापस घर आई हूँ ना, इतना सुकून मिला ना, सब बेशक सब कुछ बहुत अच्छा होता है,
लेकिन अपने घर जैसी जगह कोई नहीं है, होम स्वीट होम। और व्यूज़ तो कमाल के थे, बादल पीछे और बहुत खूबसूरत व्यूज़ थे। और हम नथिया गली पहुंच गए थे, और नथिया गली जो है ना, बारिश मेरे पीछे से भी ज़्यादा हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी यहाँ पे, तो बाहर निकलने का कोई सीन ही नहीं था। और ये ड्राई फ्रूट की शॉप थी यहाँ पे, बहुत बड़ी शॉप थी, हर तरह का ड्राई फ्रूट था, सिर्फ चिलगोजे नहीं थे। वो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, तो 9,000 रुपये किलो वो ब्रेड बता रहे थे। और किशमिश की हर किस्म थी, बादाम की हर किस्म थी, कुरबानी दो तरह की थी, एक थी ईरान की, एक तुर्की की, और एक थी गिलगित की। वो बहुत डिफरेंट थी, ईरान और तुर्की वाली तो वही जो नॉर्मल हम लोग यूज़ करते हैं। तो फिर मैंने ना गिलगित वाली ली थी, और बहुत उसका टेस्ट अच्छा था। गचक भी मैंने ली, तिल वाली, वो हम लोग तो गचक कहते हैं, पता नहीं अब उसको वैसे क्या कहते हैं, लेकिन हम लोग तो शुरू से बचपन से गचक बोल रहे हैं। मूँगफली वाली भी अच्छी होती है, और तिल वाली भी बहुत मज़े की होती है। तो ड्राई फ्रूट ही ज़्यादा लिया था, क्योंकि हम तो ज़्यादा स्टे किया ही नहीं। मैं बताया ना कि मैं बारिश से इतना तंग आ गए थे कि मेरे हस्बैंड को बोला वापस चलते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट डे वापस आ गए थे, और कोई शॉपिंग वगैरह खास की नहीं, बारिश में आप कहाँ शॉपिंग कर सकते हैं। और बहुत ठंड थी कि वो नकाबले बर्दाश्त हो रही थी ठंड। और ये किशमिश भी हर तरह का था, ब्लैक, हर गोल्डन, जो जो किस्में किशमिश की होती हैं वो सब थी। तो फिर मैं ड्राई फ्रूट ही लेकर आई थी अम्मी को, फिर मैंने ड्राई फ्रूट भेज दिया, अच्छा था, काफ़ी फ्रेश था, और टेस्ट में भी इनका ड्राई फ्रूट बहुत अच्छा था। सिर्फ मैंने मूँगफली नहीं थी ली, क्योंकि मुझे लगता है मूँगफली जो है ना हमारे पंजाब साइड पे ज़्यादा अच्छी होती है। एक दफ़ा मरी से लेकर आए हैं, लेकिन वो मुझे कोई इतनी अच्छी नहीं लगी थी, सो मैंने मूँगफली नहीं थी ली। और अंजीर का रेट था 2,500 रुपये किलो, मैं सालकोट में भी इतना ही है। और जो मिक्स ड्राई फ्रूट्स होता है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो काफ़ी लिया था, वो 1,800 पर केजी था। ये दो चीज़ें जिनका मुझे रेट याद है बस। और यहीं तक थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।